नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं आजकल। मेरी भी बहुत सारी क्लासेस बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर मैंने एक बड़ी कॉमन मिस्टेक या कॉमन प्रॉब्लम ऐसी महसूस की है बच्चों के साथ। मैंने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस को वो लाइव क्लास को कम और रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादा देखते हैं, और इसी वजह से उनका कोर्स छूट भी जाता है या ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको ज़रूर कुछ मदद मिल जाएगी। तो अगर आपने एक ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर लिया है और आप अब चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास से फ़ायदा मिले, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात तो जैसे हम क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट एक डिसिप्लिन से आता है, मतलब वो आता है क्लास में, बैठता है और जो भी टीचर उसको पढ़ाते हैं वो वैसे पढ़ता है, एक घंटे तक वो पढ़ता है और फिर उसके बाद क्लास के जाता है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चा पहली चीज़ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है कि जो सर अभी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो वीडियो तो मुझे एक साल तक की वैलिडिटी का है ना, तो मिल जाएगा और मैं देख लूँगा। ये है सबसे बड़ी गलती, ये उसे करना ही नहीं है। अगर उसने ऑनलाइन क्लास कोर्स ले लिया है, परचेज सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो अब ये उसको आदत डाल लेनी है कि अगर सुबह 8 बजे मेरी क्लास है तो मैं 8 बजे वैसे ही अपने सीट पर बैठूंगा और सर जो पढ़ा रहे हैं वो मैं पढ़ूंगा। यानी 8 से 9 अगर मेरी क्लास है तो वो मेरी क्लास चाहे ऑफलाइन की हो चाहे ऑनलाइन की हो, मैं उसे रेगुलर वैसे ही अटेंड करूंगा, उसी डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ करूंगा जैसे कि मैं ऑफलाइन करता हूँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑनलाइन क्लास अपने मोबाइल पे देखते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसमें लैपटॉप पर उसको देखें या डेस्कटॉप पर देखें या टैब पर देखें, अगर वो है आपके पास। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप मोबाइल पर देखें, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन साइज बड़ी होती है, टैब की स्क्रीन साइज बड़ी होती है, तो आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ता है और आप इजीली विजिबल है तो आप देख पाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बच्चों को मैंने देखा है मोबाइल को वो क्या करते हैं, टेबल पे बैग के साइड में से टिका के देखते देख कर पढ़ते हैं, या फिर वो किसी कॉपी के ऊपर रख के पढ़ लेते हैं। तो बेटा थोड़ा सा हम उसमें क्या करें कि मोबाइल को आप ना क्या करोगे, अपने आंख के कांटेक्ट, मतलब आंख की जो पोजीशन है ना उस पोजीशन पर लाकर अपने मोबाइल को सामने फिक्स कर दीजिए। कई सारे मोबाइल के स्टैंड आते हैं 100, 150, 250 रुपये तक के आते हैं, आप मोबाइल के स्टैंड को जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हो उसके आई कांटेक्ट में रख के पढ़िए, तो आपको क्या होगा, झुकना नहीं पड़ेगा और आप सीधे देखेंगे, जैसे कि हम घर में टीवी देखते हैं। टीवी देखने पर हमको आराम से हम देख पाते हैं, क्योंकि टीवी हमेशा जो होता है दीवार पर स्टैंड लगा होता है ना, तो वो आई लेवल पे लगा होता है। तो आपको भी मोबाइल को कोशिश करनी है कि अपने आई लेवल पे रखें। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप क्लास में, तो खैर ठीक है टीचर से इंटरेक्शन होता रहता है तो क्लास में बच्चे बोर भी नहीं होते और पढ़ते बड़े अच्छे से, क्योंकि लिखते भी हैं। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को मैंने देखा है कि वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कॉपी के साथ लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, वो उसको एक वीडियो की तरह देखते हैं। बेटा वो वीडियो नहीं है, वो क्लास चल रही है आपकी। जैसे क्लास में आप कॉपी में बकायदा नोट्स बनाते हैं, आप उसमें नोट्स बनाइए, और हेडफोन लगाएंगे तो क्या होगा, आप उसको वीडियो को पॉज भी कर पाएंगे, या सर जैसा जैसा बोल रहे हैं ना नोट्स बनाने के लिए वैसे साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप ये कर रहे हो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती, नोट्स साथ में बनाइए। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं अरे डेटा बहुत खर्च हो रहा है। भैया आपने ऑनलाइन कोर्स सस्ते में खरीदा है ना, तो कहीं तो बियर करनी पड़ेगी ना कॉस्ट, एक चीज़ तो ये है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है ऑनलाइन के लिए कि ठीक है अब वो सोचते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, तो बड़े 1 की जो स्पीड आती है उससे 1.5 की स्पीड करके फटाफट देख लेंगे। ये करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो जब अगर आपने लाइव क्लास उसी टाइम पे लिए तो आपको ये तब फायदेमंद है जब आपने ऑलरेडी एक बार क्लास अच्छे से ले ली है, साथ में आपने नोट्स बना लिए हैं, तब आप स्पीड बढ़ा के वीडियो देखिए, वरना आपने जो भी मेहनत कर रहे हो ना आप, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा ऑनलाइन क्लास की वजह से। इसके बाद एक और जो गलती है, कई बार हम जब वीडियो देखते हैं तो बच्चों को नींद आने लगती है। तो नींद आने लगती है, देखो क्लास में ऑफलाइन क्लास में तो मैं खुद भी अलाउ नहीं करता हूँ,
कि आप कुछ खाते हुए क्लास में बैठें, लेकिन हाँ ऑनलाइन अगर आप हो तो आप हमेशा च्विंगम या सौंफ या लौंग कुछ खा लीजिए, आपके मुंह का स्वाद भी अच्छा रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि पूरे टाइम क्या होगा एक्टिविटी होती रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी। हाँ और एक खास बात, क्योंकि हम खाते खाते वीडियो देख रहे हैं तो इसके अलावा कुछ और मत करिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मिथ है कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग हो सकता है लेकिन मल्टी वर्क हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक साथ दो काम हमको करने में दिक्कत आती है। दिमाग हमेशा उस एक काम को एक्टिव बनाएगा, दूसरे को पैसिव बना देगा। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर ही पूरा कंसंट्रेट लगाएंगे, नोट्स साथ में बनाएंगे और मोबाइल को आई लेवल पर ही रखकर पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन के लिए, पीडीएफ। हर बच्चा कहता है कि सर मैंने ऑनलाइन क्लास ले लिया, आप मुझे पीडीएफ दे दीजिए। एक्चुअली उसने वीडियो अच्छे से देखा नहीं है, वो पीडीएफ के भरोसे बैठा है। अब पीडीएफ में भी एक बहुत बड़ी गलती कि पीडीएफ को वो स्क्रीन में जूम कर करके पढ़ते हैं, वो नहीं हो पाएगा आपसे। आपके मोबाइल में इतने सारा फाइल्स है ना, आपने उसको नहीं पढ़ा होगा। आप फोटो भी खींच लेते हो कॉपी की, भाई मैं कल नहीं गया था, कॉपी से फोटो खींच लो, इतने सारे फोटोग्राफ है ना आपके पास उसके नोट्स के जो आपने पढ़े ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस पीडीएफ को भी आप पढ़ लोगे? आप उनके प्रिंट आउट निकलवा लो तभी आप उसको पढ़ पाओगे, ठीक है? तो ये कुछ सीधी सीधी बातें हैं जो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैंने आपसे करी हैं। आशा करता हूँ कि ये टिप्स अगर आप मेंटेन करेंगे, टिप्स को आप मानेंगे ना, तो ऑनलाइन क्लास से आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज ऑनलाइन क्लास सिर्फ एक वीडियो की तरह है, जिससे सिर्फ क्लास तो है पर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो जय हिंद, और मेरी बात ज़रूर मानिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कुछ आपको मन में कुछ पॉइंट्स आए हो तो ज़रूर शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। शायद वो ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, कई सारी लाइब्रेरीज में बैठकर पढ़ते हैं तो उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। घर में पढ़ते हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ, और घर वालों को भी बोल दीजिए कि इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस पॉइंट। और बात ये है तो आप भी उस वक्त पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि फिर हम रील्स में चले गए, उंगलियाँ ऊपर घूमने लग गई ना, एक मैसेज आया बाहर निकले और टाइम वेस्ट चालू। तो नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दीजिएगा और तब उसको पढ़िएगा। आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। टेक केयर, बाय बाय।